Hello everyone, today we will solve from question number 6 of exercise 15.2 class 8th bulk math. हम bulk math class 8th की math की book को solve कर रहे हैं. इससे पहले मैंने chapter 1 से लेकर अब तक जितनी video बनाई हैं, उन सब का link मैंने आपको नीचे discussion box में दे दिया है. अगर इससे पहले आपको किसी भी question में doubt है, तो आप नीचे discussion box में जाकर उस video को link को click करके आप वो video देख सकते हैं. टॉपिक आपका है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 है आपका, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 39,600 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर. ओके, फिगर है, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस का मतलब कर सरफेस एरिया, तो हमें कर सरफेस एरिया निकालना है और TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, है ना. तो इसमें क्या दे रखा था लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो लिख लीजिए आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हमें गिवन है 39,600 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, और क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है. हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच लिख दिया मैंने, और ये हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर. तो फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर सरफेस एरिया, वो सिलेंडर का होता है 2πRh, और फिर टोटल सरफेस एरिया. एच तो हमें मालूम है, अगर रेडियस मालूम पड़ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं. वो कहां से निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से. तो हमें मालूम है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, होता है ना, वही मैंने लिखा है. पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर रेडियस हम फाइंड करनी, तो आर की जगह रहेगा, इनटू एच. एच हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो ये भी हमें गिवन है 39,600. तो देखो 7 बन जा 7, और 7 से 14 2 आर कैंसिल, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 39,600 अपॉन में 22 आएगा और ये 2 आएगा, 22 × 2, क्लियर. 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 11 × 2 = 22, 11 से कैंसिल करते हैं, 11 × 3 = 33, कितना बचा 6, कैरी 6 हो गया, 6 × 6 = 36, ओ सॉरी 6 × 6 = 66, 11 × 6 = 66, और ये दो जीरो हैं, तो हमारा काम इजी हो गया थोड़ा. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3600 × 22 = 4. तो आर क्या होगा, आर होगा अंडर रूट 3600 / 4, क्लियर. 4 का स्क्वायर रूट तो जानते हैं आप, 2. 36 का क्या होता है, 6. 36 × 100 लिख सकते हैं इसको, 36 का 6 और 100 का 10, यानी कि 60 हो गया इसका स्क्वायर रूट, क्लियर. और 2 या यहाँ भी कार्ड्स कैंसिल कर सकते हैं, मेरे को ध्यान नहीं रहा, कैंसिल कर दो आप, क्यों बेकार कर. 4 × 4, 4 × 9 = 36, अंडर रूट 900. तो 900 अंडर रूट में, ये आगे चलो अंडर रूट 900, तो क्या हो गया, 30 इसका स्क्वायर रूट होता है 30 सेंटीमीटर. तो हमें रेडियस फाइंड हो गई. अब क्या पूछा है, पूछा है लेटरल सरफेस एरिया, निकाल लो भाई लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो होता है 2πRh. 2π की वैल्यू पुट करो 22/7, रेडियस हमने फाइंड करी 30, और हाइट हमें दे रखी थी 14 सेंटीमीटर, क्लियर. तो 7 बन जा 7 और 7 × 2 = कितना हो गया 14, 2 × 2 = 4, 4 का 22 में करेंगे तो 88 × 30. तो हाइट, हाइट नहीं, क्या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना गया, 0 तो ये है, 3 का मल्टीप्लिकेशन, 3 × 8 = 24, कैरी 2, 3 × 8 = 24 और 2 = 26. तो 2640 cm². तो एक पहला पार्ट तो ये हो गया लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया. ओके, अब निकालेंगे TSA ऑफ सिलेंडर. तो निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस
एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसको हम शॉर्ट में टी ऐसे भी लिख सकते थे। इसका फॉर्मूला लगाइए आप, 2πr इन ब्रैकेट एच प्लस आर, बस कैलकुलेट करना आंसर आ जाएगा। 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी निकल के आई थी 30, ये रही रेडियस 30 निकल गई थी, 30 सेंटीमीटर, क्लियर। इन ब्रैकेट एच 14 है और आर हमने निकाली 30, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, मल्टीपल कर दे रहा हूँ, 2 इंटू 22 कितना जाएगा 44, ठीक है ना, इंटू 30 अपॉन में ये 7 है ही, और इसको ऐड करोगे तो 44 हो गया, 30 प्लस 14 44 यहाँ आ गया, बस सही, और इंटू 30। तो मैं इन तीनों का मल्टीपल करके आपको बताता हूँ, वीडियो पॉज करके क्या आया है ना, फिर लिखते हैं। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया तीनों का मल्टीपल और ये आया 58,080 डिवाइडेड बाई 4, ओके। और जब मैंने इसको डिवाइड भी कर लिया था, और मैं बताया था डिवाइड करके कितना आया था, डिवाइड करके ये आया था 8297.142, और ये किस में था, सेंटीमीटर में, टोटल सरफेस एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, एरिया जहाँ में स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर हो गया 8,257.14, लिख लेना, टू प्लेस लिख लेना, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 आपका स्क्रीन पर है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, इसका मतलब क्यूबॉइड है, विच इज 3.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ दे रखी है, 1.5 मीटर विड्थ दे रखी है, एंड 2.5 मीटर हाइट दे रखी है। चलिए करते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस पर है, करते हैं फटाफट। तो यहाँ लेंथ विड्थ हाइट तीनों चीज़ दे रखी हैं, तो कुछ हमें करना ही नहीं है, सीधे सीधा फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए बस आप थोड़ा सा ये लिख लीजिए जो दे रखा है, लेंथ ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, 3.5 मीटर, विड्थ या ब्रेथ एक ही चीज होती है ना, विड्थ ऑफ क्यूबिकल जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें दर की है 1.5 मीटर, एंड हाइट, हाइट ऑफ, मैं सीधे सीधा बॉक्स लिख देता हूँ, ये एच, और ये देखिए 2.5 मीटर। तो इसमें भी दो चीज़ फाइंड करनी है, एक हमें फाइंड करनी है लिटरल सरफेस एरिया, इसको हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी बोल देते हैं ना, इसका फॉर्म होता है 2L ब्रैकेट में B प्लस एच, में भी लिख रहा हूँ चिंता ना करिए, और टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एस प्लस एच एल। तो फर्स्ट पार्ट ये कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, पहले टोटल सरफेस एरिया, तो टी एस ए यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, फॉर्मूला भी लिख देता हूं, अगर ये नहीं याद है आपको, याद होना चाहिए पहले, तो 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल, क्लियर। चलिए देखते हैं क्या आता है, ट्वाइस एल लेंथ, लेंथ कितनी है 3.5 इंटू वी विथ 1.5 प्लस विथ 1.5 इंटू एच, आपके सामने है 2.5 प्लस एच, अभी हमने लिखी थी 2.5 इंटू लेंथ 3.5, देखें क्या आता है, ये इसका आंसर आ जाएगा। 15 का टेबल तो सबको याद होता है, 15 5 या 75 कैरी 7, 15 3 या 45 और 7 52 और 112 प्लेस के बाद डेसिमल, 5.25 हो गई। फिर 15 का 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 2 जा 30 और 7 37, तो ये हो गया 3.75 क्योंकि 2 प्लेस का डेसिमल लग गया, प्लस 25 की भी याद होती है, नहीं है तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, 25 5 जा 125 कैरी 12, 25 3 जा 75 और कैरी आया था 12 यानी कि 87 हो गए, 8.75 आ जाएगा, क्लियर। तो हमने कुछ नहीं करा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया,
फॉर्मूला किसका, टोटल सरफेस एरिया। आप टोटल सरफेस एरिया लिखें या लिखें कोई जरूरत नहीं, आप शॉर्ट में टी एस ए भी लिख सकते हैं। टी एस ए की फुल फॉर्म टोटल सरफेस एरिया होती है ना, और कैलकुलेट कर लिया। अब इसको प्लस कर लो, देखते हैं क्या आता है प्लस करके। 5 5 10 5 15 कैरी वन, 7 7 14 2 16 एक कैरी वन का था, 16 1 17 फिर कैरी वन टू प्लेस का डेसिमल आ जाए वन, तो 8 कैरी लगा दे रहा हूँ वन का, 9 9 3 12 12 और 5 17 इतने स्क्वायर मीटर आंसर आ जाएगा। टू का मल्टीपल कर देते हैं, 2 5 जा 10 कैरी वन, 2 7 जा 14 और 15 अगेन कैरी वन, 35 हो जाएगा। मीटर स्क्वायर ऐसे लिख दो या मीटर स्क्वायर, एक ही चीज होती है स्क्वायर मीटर। तो पहले मैं टी एस ए का आंसर चेक कर लेता हूं, उसके बाद हम लेटर सरफेस एरिया देखते हैं ना। आंसर था ये क्वेश्चन नंबर 7 का, ओके बिल्कुल ठीक है, 35.5 स्क्वायर मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स पॉइंट हो गया। अब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, है ना। मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, पहले तो याद होने चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 2L इन ब्रैकेट बी प्लस एच, 2L का था 2 इंटू एल है ना, तो 2 इंटू एल लेंथ थी 3.5 इंटू वी, विथ दे रखी है 1.5 प्लस एच ये दे रखी है 2.5। चलो ये कर मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे लेंथ 3.5 विथ 1.5 एच 2.5, क्लियर। देखते हैं क्या आएगा, 2 का 3.5 में करेंगे 7 और ये कितना हो गया 4 हो गया, 4 7 जा 28 28 स्क्वायर मीटर हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्लियर। इसी के साथ ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 2500 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 49 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। चलिए करते हैं, ये भी इजी है, फटाफट कर देते हैं। अब यहाँ हमें क्या क्या दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है, लिख देते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 49 सेंटीमीटर गिवन है एंड वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है 2500 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू हमें देखिए 49, ये इक्वल टू कितनी रखी है 2500 पाई, तो इससे आर की वैल्यू निकलेगी, तो आर स्क्वायर क्या हो गया 2500 पाई, ये अपॉन में जाएगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई और 49, तो पाई इंटू 49 अपॉन में, पाई से पाई कैंसिल, तो आर क्या होगा स्क्वायर रूट 2500 अपॉन 49, 2500 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25 का 5 200 50 हो गया और 49 का 7 ये सब जानते हैं, हमें आर नहीं पूछा तो आर को सिर्फ ऐसे ही रहने दो। क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 8, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया लगा लेंगे, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट में h प्लस r या r प्लस h कुछ भी लिख लो, ओके 2πr की वैल्यू 22/7 लिखनी हमें, r हमने निकाला भी 50/7 इंटू ब्रैकेट में h, h हमें दे रखा 49 प्लस 50/7 कुछ भी कहीं कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ओके तो पॉइंट में आंसर आएगा, कहीं मिस्टेक निकल ली, एक बार चेक कर लेता हूँ, जब कैंसिल नहीं होता है सर कहीं मिस्टेक ना हो गया ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखिए 49, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2500 पाई, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल होगा 50/7 ही आएगा, तो यही है ओके। तो मल्टीपल कर रहा हूँ देखो, 52 जा 100 100 का 22 में करें 2200 अपॉन 7 7 जा 49, चलो यह स्पेस का मैं आगे करता हूँ, मैं आगे लिखता हूँ दोबारा से।
तो मैंने यहाँ सामने लिख लिया है ना 2200/49, और ब्रैकेट में यहाँ दिखा देता हूँ, ये सामने आपका 49 + 50/7, यहाँ 7 एलसीएम, तो 7 का मल्टीपल 49 में करेंगे, तो 7 का 49 में, तो 49 × 7 यानी कि करते चलो 7 × 9 = 63, कैरी 6, 7 × 4 = 28, 6 = 34 प्लस 50। अरे एक चीज़ मैंने गड़बड़ कर दी, क्या जब इसमें वॉल्यूम पाई में दे रखा तो पाई की वैल्यू बेकार पुट करी, इस ऐसे होता है जब पाई में दे रखा तो आप आंसर पाई में दे सकते हो। चलो मैं इसका आंसर चेक कर ले रहा हूँ, कैलकुलेट करके तो आ गया है ना, तो पाई में ही आंसर आ रहा होगा इसका, पाई में ही लिख देना चाहिए था, मुझे ध्यान नहीं रहा क्योंकि इसमें वॉल्यूम हमें पाई में ही दे रखा है, तो हमें पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है और हमारी ये कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगी। क्या होता है जब आंसर हमें पाई में दे रखा हो कोई चीज़, तो आप इसका आंसर पाई में लिख के छोड़ सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 8 था। चलिए इसमें कोई पाई में आंसर नहीं छोड़ा तो सॉल्व भी कर लेते, तो ये हो गया है ना, वैसे पाई में आप लिख सकते हो 2200/49 × ये कितना हो गया 393, देखो 303 459 और 3, तो 393 × 7, क्लियर। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, 22 का मल्टीपल कर देता हूँ 393 में, ये मैं यहाँ हथियात कर रहा हूँ समय बचाने के लिए, ये 8646 और ये दो जीरो हैं, ये कितना आएगा 497 जो होते हैं 343, ये 7 का क्यू होता है ना, 49 × 7 करा था तो मैंने 343 आया था, अब मैं इसका डिवाइड कर देता हूँ, ये आंसर आ जाएगा, तो ये है 8646 / 3 मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है आपको दिखा नहीं रहा, तो ये आया 2520.69, और क्या होता है सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब पूछा है इसमें लेटरल सरफेस एरिया, तो निकाल लो लेटरल सरफेस एरिया ना, कट सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल चारों तरफ, चारों तरफ सिलेंडर में क्या कर्व भी होता है खाली, तो कट सरफेस एरिया निकालना है ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला है, 2πRh, 2 × π की वैल्यू 22/7, आर हमने निकाली थी 50/7 और h हाइट दे रखी थी 49, तो देखो 7 × 7 = 49, तो कितना होगा 52 × 100 का 22 में करेंगे 2200 square centimeter। पीछे जो आंसर है 99.something हो सकता है इन्होंने पाई की वैल्यू 3.14 लगाई हो, लेकिन जरूरत नहीं, 7 से 7 कैंसिल हुई थी, दिया तो है नहीं, तो आप ये लगाएंगे, ये आंसर करेक्ट है 2200। आप पाई की वैल्यू पाई के प्लेस पर 3.14 लग के देखना, हो सकता है जो बुक में आंसर देगा, पॉइंट का अंतर है ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप ये करके लेंगे टीचर आपको कोई नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि यहाँ पाई की वैल्यू तो दी नहीं है और ये 7 से कैंसिल भी हो रहा है, हम वही यूज करते हैं, अगर कैंसिल हो जाता है दी भी होते हम कहते हैं लगा दो 22/7, तो 7 से 49 कैंसिल हो गया, क्लियर। तो यही आंसर करेक्ट है। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 15.2। अब क्वेश्चन 9 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड, दोनों सिरे से ये खुला हुआ है, इफ इट्स लेंथ 28 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं कैसे होगा समझाते हैं आपको, पहले तो जो जो चीज दे रखी है हम इसको लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ, लेंथ से मतलब हाइट होता है ना, लेंथ ऑफ हॉलो सिलेंडर, खोखला, हॉलो का मतलब खोखला, अंदर सॉलिड नहीं है, हॉलो सिलेंडर, यहाँ जो एच होता है फॉर्मूला, ये लेंथ एच लगेगी है ना, ये हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ सिलेंडर उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें दे रखी है
7 सेंटीमीटर और थिकनेस ऑफ सिलेंडर, थिकनेस ऑफ सिलेंडर ये हमें देखिए 1 सेंटीमीटर। अब मैं पहले आपको हॉलो सिलेंडर एक फिगर बनाता हूं। हॉलो सिलेंडर क्या होता है, अंदर से खोखला, ऊपर हमें जो दिखाई देता है टॉप पर ये ओपन है, ये क्या कहलाती है, सर्कुलर रिंग है ना, जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं उसे देखी ना, उसमें सब मैंने समझाया हुआ है। अब यहां से यहां तक इंटरनल रेडियस और यहां से यहां तक इसकी मोटाई और जोड़ दें तो ये एक्सटर्नल रेडियस, वो हमें दे रखी है। तो इंटरनल रेडियस कैसे निकलेगी, यहां से यहां तक है पूरा मालूम है, यहां से और यहां तक इंटर है ना, वो दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। और ये जो थिकनेस है, थिकनेस का मतलब यली, ये बन तो हम टोटल आउटर जो या एक्सटर्नल रेडियस है उसमें से थिकनेस माइनस कर दें तो इनर रेडियस निकलेगी। तो इनर रेडियस क्या हो गई, इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटर्नल रेडियस आर माइनस थिकनेस, ये हो गई 6 सेंटीमीटर। अब हॉलो सिलेंडर में क्या क्या दिखाई देगा, एक तो अंदर का सिलेंडर दिखाई देगा पूरा है ना, और ये बाहर हमें सर्कुलर रिंग दिखाई देंगी दोनों, ये मैंने सिर्फ सा बना दिया है ठीक है ना। तो ऊपर ही सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और नीचे भी होगा। तो हम टोटल सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, मैं लिखता हूँ 2πRH प्लस 2πR² माइनस R² ये होता है TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, में लिख दे रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ये होता है 2πr इनर रेडियस RH, क्लियर, प्लस 2πकैपिटल RH आउटर सरफेस एरिया, प्लस 2πइन ब्रैकेट R² माइनस R, ये फॉर्मूला समझ लो कैसे। आप हॉलो सिलेंडर, एक तो आपको बाहर का सरफेस दिखाई देगा, कर सरफेस एरिया बोलता है 2πRH, बाहर का ये बाहर की रेडियस लगी, अंदर झाक के दो जैसे ग्लास है ना, ग्लास से नीचे से पैदा हटा दो, बेस भी हटा दो, तो अंदर का चारों तरफ का एरिया होता है 2πRH, बाहर का दिखाई देगा कैपिलर रेडियस क्या होगी, एक्सटर्नल रेडियस 2πRH, और क्या ये सर्कुलर रिंग ऊपर उसका होता है पाई ब्रैकेट में R² माइनस का, और नीचे भी सर्कुलर रिंग, तो दोनों सेम होती है, तो 2πR², सीधा सीधा याद रखोगे ये फॉर्मूला है हॉलो सिलेंडर के टोटल सर्फेस एरिया का, आर इनर रेडियस है, कैपिटल आर आउटर रेडियस। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन इजी करने के लिए, 2πकॉमन ले सकते, 2πतीनों में है, तो ये क्या होगा RH प्लस R² माइनस R², कुछ ये भी फॉर्मूला लिखते हैं, एक ही चीज़ है वो कॉमन ले लिया, ये बच्चे गड़बड़ कर देते, इसलिए मैंने याद करने का तरीका है इंटरनल सरफेस एरिया कर सरफेस एरिया, इंटरनल रेडियस आएगी 2πRH, आउटर कर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग दोनों, तो 2πR² माइनस R², अब बस वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, 2πकी वैल्यू 22/7 ही लगा रहा हूं मैं है ना, स्मॉल आर हमने निकाली थी कितनी आई थी 6 सेंटीमीटर, एच कितनी दे रखी है 28 प्लस कैपिटल आर 7 थी ये रही ठीक है ना, इंटू एच 28 प्लस R² कैपिटल आर वो दे रखा है मैं 7 स्मॉल आर 6, तो 22 2 जा 44/7 तो ये हो गया 28 × 6, ये तो इजी है मल्टीपल कर लो, आप 6 8 जा 48 कैरी 4 6 2 जा 12 और 4 16, दोबारा चेक कर लो 6 8 जा 48 कैरी 4 6 2 जा 12 और 4 16, 28 7 जा ये भी इजी है, 7 के टेबल जानते हो, 7 8 जा 56 कैरी 5 7 2 जा 14 और 5 19, 7 का स्क्वायर भी इजीली कर लोगे 49 और 6 का स्क्वायर भी कर लोगे माइनस के 36, क्लियर, देखें कितना आ गया 44/7, इन दोनों को ऐड कर ले रहा हूँ 8 और 6 14 कैरी 1 9 और 1 10 और 6 16 कैरी 1 1 2 3, और इसमें से ये माइनस कर दे रहा हूँ मैं, तो 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 3 गया 13,
44 अपॉन 7 ये कितना हुआ 3 4 + 3 अरे 64 और 77 हुए 377। ये कटेगा क्या 7 × 5 = 35 नहीं कटेगा, पॉइंट में आंसर आएगा है ना, ये हो सकता है आंसर पाइज में दे रखा हो, चलिए हम पॉइंट में निकाल के देंगे। तो 44 का 377 में हम मल्टीपल मैंने करा तो ये आ गया 16,588 डिवाइडेड बाई 7। इसका मैं डिवाइड भी कर दे रहा हूँ और मैंने डिवाइड कर लिया यहाँ पर तो ये आ गया 2369। डिवाइड कर दिया, ये तो ओरल भी कर सकते हो आप, 7 × 2 = 14 कैरी 2 2 5 कितना हो 25, 7 × 3 = 21 4 × 4 = 48 7 × 6 = 42 6 × 8 = 68 7 × 9 = 63 5 × 0 = 7 × 7 = 41 तो ये आंसर आ गया 2369.71 टोटल सरफेस एरिया, एरिया हमेशा क्या था स्क्वायर में, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।